I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. यार मेरी तो ये तमन्ना है, ये ख्वाहिश है कि आफ्टर मैरिज मैं स्विट्ज़रलैंड जरूर जाऊंगा घूमने। किसकी किसकी तमन्ना ख्वाहिश बताओ, मतलब क्या कहते हैं नॉर्मल भाषा में, क्या कहते हैं इच्छा, किसकी किसकी इच्छा है कि आफ्टर मैरिज स्विट्ज़रलैंड घूमने की बताओ। तो वैसे ही ऐसा स्विट्ज़रलैंड ना, वैसे ही एक अपने इंडिया में एक जगह है चंबा, हिमाचल प्रदेश, ठीक। तो मी स्विट्ज़रलैंड उसको कहते हैं, ठीक भाई। तो भाई ये बिल्ड वहीं का है। सो व्हाट्स अप लोग, कैसे हो आप सब? रही शादाब खान, पंडित जी उर्फ अंकित कुमार शर्मा, राइट एंड मिस्टर पीसी वाले भाई। आज ये बिल्ड हमारा बंदा विशाल मल्होत्रा भाई हैं, जो एक यूट्यूबर हैं, और भाई उनके शायद 3 या 4 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं भाई के, 3 या 4 लाख। उनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर लेना उनका चैनल, ठीक। और उनके अगर टाइम मिला, इतने सब्सक्राइबर उनके, चंबल में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। उनको स्ट्रीमिंग, एडिटिंग और गेमिंग के लिए एक पीसी चाहिए था 3060 Ti पे बेस्ड, तो इसमें लगा है राइजन का 5th जनरेशन का प्रोसेसर, राइजन 5 5600X और 3060 Ti कार्ड लगाया है, तो ये बिल्ड उस पर हो रहा है। बताइए अगर चैनल पर पहली बार आप लोग आए हैं तो क्या करना है, उस कंपोनेंट का यूज करके दबा दिए लाल वाले बटन को, कर दिए बेल आइकन को प्रेस, कर दिए नोटिफिकेशन ऑन। और कोई सवाल पूछना अगर हम लोगों से, तो कल की जो वीडियो है ना, उस तरफ जो कहीं आ रहा है लिंक, कल की वीडियो में सवाल पूछ लो, जिसका जवाब हम लोग आपको अगले संडे को देंगे, ठीक भाई। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके प्रोडक्ट की डिटेल बताना। सो भाई लोग, शेरे की कैबिनेट है जो हम लोग इस पर्टिकुलर बिल्ड में यूज कर रहे हैं, डीप कूल की जैसे आने वाली, डीप कूल मैट्रिक्स 55V3। देखिए व्हाइट कलर की कैबिनेट भाई ने पसंद की है। फ्रंट में देखिए आपको टेम्पर्ड ग्लास मिलता है, 3 RGB फैन, ARGB फैन, 1 ARGB स्ट्रिप गई हुई है। ऊपर ये सारे इसके IO पोर्ट्स हो गए, देख लो आप, इससे पहले बहुत सारे बिल्ड में यूज भी कर चुके हैं। बहुत प्यारी कैबिनेट है, देख लो आप। साइड में टेम्पर्ड ग्लास मिलता है, वर्टिकल माउंट का ऑप्शन है इसमें कि भाई नहीं है? वर्टिकल माउंट का ऑप्शन नहीं है, बाकी सब बहुत अच्छा है। देखिए इसकी मिश हो गया, ये पूरा सील्ड पैक यहाँ पर देख लो आप, ये देख लो पूरी कैबिनेट, ठीक है भाई। मैं सोचा आपको दिखा दूँ एक बार, दिखने में कैबिनेट बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत लाजवाब, एक नंबर कैबिनेट है। मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ अगर कोई वाइट कैबिनेट की तरफ जाना चाहता है। एयर फ्लो के मामले में बहुत अच्छी है, यहाँ से देखो एयर वेंट्स हैं, वाइट में 3 फैन के साथ कम बजट में बहुत प्यारा कैबिनेट है, ठीक है। यहाँ पे देखो एयर वेंट दी गई है, जहाँ से ये एयर इनटेक लेती है, बाकी पीछे से आउटटेक है। और प्राइस की बात करें तो लगभग ये आती है 6000 के रेंज में। इसका जो ब्लैक वाला कलर आता है वो आता थोड़ा सस्ता, 200-300 सस्ता, और ये आती है 6000 के बजट में। सो भाई ये देख लो, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं, जो आती है गीगाबाइट की तरफ से आने वाली 750 वॉट GM पावर सप्लाई, जो कि 80+ गोल्ड सर्टिफाइड के साथ आती है, ठीक भाई। ये पावर सप्लाई मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ इसको। भाई बॉक्स ओपन करते ही देखिए, ये गत्ता हो गया, ये थोड़ा प्रेम पत्र, ये पावर सप्लाई, ये आपके फ्लैट केबल्स हो गए, ये देख लो, और ये हो गई आपकी पावर केबल। एक बार मैं पावर सप्लाई को आपको दिखा देता हूँ, 80+ गोल्ड सर्टिफाइड के साथ आती है, इस बजट में सबसे बेस्ट पावर सप्लाई है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। देखो इसीलिए ये देख लो, ये पावर सप्लाई दिखने में देखो फुली मॉड्यूलर पावर सप्लाई है, ये देख लो आप, ठीक है। और प्राइस की बात करें तो कितने तक की पावर सप्लाई है ये? 7500। अच्छा 7500 की रेंज की पावर सप्लाई आपको मिलती है। और उसके बाद भाई लोग देखिए, हम लोग इसमें हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं, 1 TB की सीगेट 12 CUDA 7200 RPM की हार्ड डिस्क है ये, ठीक है। देखिए 1 TB हार्ड डिस्क भाई हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसका प्राइस आपको पड़ता है लगभग 3100 से लेकर 3500 के बीच। अब इसको मैं ओपन करके क्या ही दिखाऊँ आपको, जब लगेगी तभी देख लेना आप, ठीक। उसके बाद देखिए दोस्तों या भाई लोग, फैमिली के मेंबर, जो हम लोग इसमें देखिए प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं वो AMD राइजन 5 5th जनरेशन का प्रोसेसर है, राइजन 5 5600X 6 कोर 12 थ्रेड पे आता है, और 3.7 इसकी बेस और 4.6 इसकी बूस्ट जाती है, ये देख लो फुल सील पैक है। विशाल मल्होत्रा भाई देख लो, पूरा सील पैक प्रोसेसर है तुम्हारा, सील आपके सामने ब्रेक होगी, चेक कर लो। ये देख लो भाई प्रोसेसर है आपका, ये देख लो, करेक्ट। प्राइस की बात करें तो आजकल ये बड़ा महंगा मिल रहा है यार, कभी 30 का मिल जाता है, कभी 32 का, कभी 29 का, ऐसे इसके रेट वेरी कर रहे हैं। अगर इनका रेट आपको फाइनल रेट चाहिए तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में देखिए लिंक पड़ा होगा अमेज़न का, वहाँ जाकर क्लिक कर लीजिए, वहाँ से आपको इसके उसी दिन के रेट मिल जाएंगे। बाकी बहुत जल्दी हमारी वेबसाइट आने वाली है, फिर आप वहाँ से बहुत आराम से परचेस कर लेना।
के बाद देखो हम लोग इसमें रैम यूज कर रहे हैं थर्मल टेक की टफ रैम Z1 RGB 3200 MHz 8 GB की दो स्टिक लाइफ टाइम वारंटी आती है। मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। ये देख लो भाई साहब, ये दो रैम है आपकी, 8 GB रैम आती है और प्राइस की बात करें तो लगभग आपकी 7000 के आसपास की रैमें हैं ये। ठीक, ये देख लो रैम है। बाकी एक बात और बताऊं, अगर इन सारे प्रोडक्ट को आपको ऑनलाइन बाय करना है तो अमेजोन से बाय कर लेना, और इन सारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो देखो उधर कहीं आई बटन में लिंक आ रहा होगा, देख लेना जो हमारी संडे की वीडियो थी, क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट कर दिए, सवाल कर लेना अपना, संडे को आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना भाई, ठीक है। और उसके बाद देखिए हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं WD की NVMe जो कि आती है WD Blue Ocean 550 2400 mbps की राइड स्पीड है, 250 GB की NVMe है, 3 या 5 ईयर्स वारंटी के साथ आती है। सील मैं आपको ब्रेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए प्रेम पत्र हो गए भाई, ठीक। इसके अलावा ये देखिए NVMe है, ये देखिए, ठीक है। प्राइस की बात करें तो ये लगभग आपको कॉस्ट करती है 3500 से लेके 4000 के बीच में भाई, सीरियल नंबर वगैरह सब कुछ मैच कर लो अपना। सो भाई लोग उसके बाद देख लिए हम लोग इसमें एक फैन लगा रहे हैं पीछे जो कि है डीपकूल की तरफ से आने वाला RGB फैन 120mm का फैन, ठीक। ये लगेगा पीछे, आप देख लो। सो भाई लोग ये देख लो 120mm का फैन है, RGB फैन, ये लगेगा हमारा पीछे। बिल्ड क्वालिटी में बहुत अच्छा फैन है। प्राइस की बात करेंगे कितने का आता है फैन, ये 500 लगभग 500 के आसपास ये फैन आपको पड़ता है। उसके बाद देखिए भाई हम लोग इसमें एक जो मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं वो ASUS की तरफ से आने वाला ROG Strix B550F गेमिंग मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं, जिसकी BIOS अपडेट करने के लिए हमने इसको पहले खोला, इसमें एक प्रोसेसर लगाया, इसकी BIOS अपडेट की, इसलिए इसकी सील खुली हुई है। ये मत कहना कि सील खुली हुई क्यों है, ठीक है। पहले हम लोग ने ऑलरेडी इसका BIOS अपडेट कर लिया है, उसके बाद आपको हम दिखा रहे हैं चीज, क्योंकि 5th जनरेशन जो प्रोसेसर हैं उनमें BIOS को अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। तो भाई देखो जैसे हम इसको ओपन करते हैं, ये मैं पकड़ाता हूँ कैमरामैन साहब को, सर पकड़िए जरा इसको। हाँ भाई इसके अंदर देखो क्या क्या मिलता है, कैमरामैन झांक के देख रहे हैं, क्या स्टिकर भी मिलते हैं इसमें, ठीक है भाई। जैसे आप खोलते हो तो देखो यहाँ पर आपको मिलते हैं SATA केबल हो गई, RGB केबल हो गई, ये कुछ थ्रेड्स हो गए, और ये कुछ हो गया यहाँ पर, और ये इसके NVMe के पेज, और ये हो गया देखिए आपका प्रेम ग्रंथ हो गया है। प्रेम ग्रंथ के अंदर एक आपकी ये DVD रखी हुई है, उसके अलावा ये प्रेम पत्र हो गए छोटे से, ये थैंक यू लेटर हो गया, और ये हो गए स्टिकर्स। इतने सारे स्टिकर्स इसमें मिलते हैं भाई साहब, देखिए ये सारे विशाल भाई आपके पास स्टिकर्स आ जाएंगे, ठीक है, देख लो इतने सारे स्टिकर्स इसमें मिलते हैं। सो भाई ये देख लिए मदरबोर्ड है भाई साहब, बड़ा लाजवाब मदरबोर्ड है, मज़ा आ जाएगा आपको। एक बार मैं थोड़ी लाइट कम करके दिखाता हूँ, ठीक। अब इस मदरबोर्ड की खासियत क्या है मैं आपको बताता हूँ, खासियत कुछ नहीं है भाई, ASUS का है, यही खासियत है इसकी। देखो 4 रैम स्लॉट आते हैं, 1, 2, 3, 4 2 PCI एक्सप्रेस स्लॉट आते हैं, ये सॉरी क्या बोलते हैं 2 ग्राफिक कार्ड के स्लॉट हैं, NVMe के स्लॉट है, और मतलब बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। ये देखिए ROG का लोगो लगा है, जो ROG का लोगो है जो जिसमें वो RGB लाइट आती है, और IO शीट इस पर्टिकुलर में बिल्ड आती है, देख लीजिए ब्लैक कलर की, और इनपुट IO पोर्ट्स देख लीजिए आप, टाइप सी का भी पोर्ट इसमें दे रखा है, काफ़ी अच्छे पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट, HDMI पोर्ट, टाइप 3.0 के भी पोर्ट हैं, और इनपुट पोर्ट ऑडियो के भी दिए हुए हैं, काफ़ी अच्छे पोर्ट इस पर्टिकुलर में दे रखे। देखिए क्या लिखा है, रिपब्लिक ऑफ गेमर्स। तो उसके बाद भाई लोग इसमें देखिए 2 NVMe के भी स्लॉट दे रखे हैं, ठीक है। बाकी पर्टिकुलर बहुत अच्छा बोर्ड है, बहुत वैल्यू फॉर मनी बोर्ड है, और प्राइस की बात करें तो आपको लगभग बोर्ड पड़ता है लगभग कितने का अंकित भाई, ये बोर्ड 15000, ये लगभग 15000 के रेंज का आपको बोर्ड पड़ता है। तो भाई उसके बाद देख लीजिए हम लोग इसमें ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हैं, वो कलरफुल की दर्शाने वाला बैटल AX G4 RTX 3060 Ti। ये देख लो भाई ग्राफिक कार्ड, बड़ा ही भयंकर ग्राफिक कार्ड है, 3060 Ti हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं। मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ, एक बार रुको आप। तो भाई देखिए जैसे हम लोग इसको ओपन करते हैं, ये एक चिकना सा गत्ता मिलता है भाई, देखो जबरदस्त सा मज़ा आया है, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें एक मिलता है कलरफुल की तरफ से गाइड, और ये देखो एक साइड में सपोर्टर लगा है, इसको निकालना है चॉकलेट टाइप का, और ये देखो हमारा कार्ड भाई साहब, बहुत ही लाजवाब कार्ड है, कलरफुल कार्ड है, कलरफुल की तरफ से आने वाला, मज़ा आ जाएगा। ये देखो भाई सील पूरी, ठीक, फुल सील्ड है, लाओ भाई जरा वो दो। वो वाइट कार्ड अच्छा है, नहीं ये भी कार्ड अच्छा है,
भाई साहब ये देख लिए कार्ड, ये देखिए भाई कार्ड है, ये देख लिए, ये इसके आईओ पोर्ट्स हैं और ये देखिए फैन हैं इसके, तीन फैन पे कार्ड आता है। ये देख लीजिए पूरा आपके सामने सब लिखा हुआ है, इस पर्टिकुलर कार्ड को हम लोग इस बिल्ड में यूज कर रहे हैं। ठीक है भाई, देखो कलरफुल का लोगो है G4 RTX। ठीक भाई लोग, इस कार्ड को हम लोग यूज कर रहे हैं। 3060 Ti प्राइस की बात करें तो लगभग आपको पड़ता है ये 43 से लेके 45,000 के रेंज कार्ड, और सारे कंपोनेंट्स मैंने आपको दिखा दिए। अब हम लोग करते हैं इसको फटाक से बिल्ड और आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए कार्ड मैं आपको फिर दिखा देता हूं एक बार। तो भाई लोग ये देखिए हमारा, हमने आपको सारे कंपोनेंट बता दिए कौन से इसमें लग रहे हैं। अब हमारा लगने जाता है इसमें फैन, देखिए डी पूल का फैन है जो कि लगेगा ये पीछे की तरफ, ये देख लीजिए यहाँ पे बैक साइड लगेगा, बैक साइड। तो भाई ये देखिए हमारी लग रही है इसमें हार्ड डिस्क। तो भाई ये देखिए मदरबोर्ड हमारा अनबॉक्स हो गया है और बहुत लाजवाब लग रहा है मदरबोर्ड, कैसा लग रहा है आप लोग बताना। और अब देखिए हमारा लगेगा इसमें प्रोसेसर, देखते जाइए आप। तो भाई ये देखिए हमारी रैम अनबॉक्स हो रही है, मैं आपको अनबॉक्स करके दिखा चुका था, फिर भी अब आप देख लो आपके सामने अनबॉक्स हो रही है, अभी इसमें लगने जा रही है, आप देखते रहिए। तो भाई देखिए ग्राफिक कार्ड वहाँ निकल गया है, अब इस ग्राफिक कार्ड को मैं इसमें लगाती हूँ, आप देखते जाइए। तो भाई ये देख लिया हमारा पीसी बन चुका है, रेडी हो गया, और कैसा लग रहा है यार विशाल भाई, पता नहीं यार आपको कैसा लगे, हमको तो एक नंबर लग रहा है भाई। पीसी देख लो क्या लग रहा है, मतलब अंदर का लुक देखो, देखो उधर ओरस सॉरी आरओजी का लोगो, थर्मलटेक की रैम, इधर देखो कलरफुल का लोगो, देखो ब्लिंक कर रहा है रेड कलर में, ये देख लो आप ग्राफिक कार्ड का। ठीक है, कैसी लग रही है आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में यार, मतलब सच बता रहा हूँ मैं आपको, एक बार में दिल आ गया मेरा इस मशीन पे देख के, दिल आ गया। बस इसमें कमी बस एक शायद AIO की है, AIO खाली इसमें अगर कूलर लग जाए तो मज़ा आ जाए। भाई पहले लगवा रहे थे, फिर बाद में भाई ने चेंज कर दिया, थोड़ा बजट की वैसे क्योंकि 1,30,000 के आसपास का ये उनका बजट बैठा है। बताओ कैसा लगा आप लोगों को, मस्त लगा ना, एक नंबर। सो भाई देखो, तो भाई लोग देखो ये हमारा वो क्या बोलते हैं आपके CPU है, उसके साथ ये मॉनिटर हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं जो भाई को दे रहे हैं 24 इंच का
IPS पैनल है, Acer Nitro VGO सीरीज गेमिंग मॉनिटर है, देख लो 144Hz रिफ्रेश रेट, 1 मिलीसेकंड रिस्पांस टाइम, 0 फ्रेम डिजाइन है, HDR रेडी है, IPS टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, फुल HD है, AMD फ्रेसिंग का। मैं इसको खोल के नहीं दिखा सकता हूँ, ये सील्ड पैक है, देख लो ये ऐसे ही पूरा यहाँ से शिप होके पहुँच जाएगा हमारे भाई के पास। ठीक है, मैंने सोचा एक बार आपको दिखा दूँ यार, देखो पूरा सेटअप कैसा लग रहा है बताना आप लोग। तो भाई लोग वीडियो देखी ली कि आप लोगों ने कैसी लगी यार बताना कमेंट सेक्शन में। एक बार फिर से सूफी भाई दिखाइए, बीस को दिखाइए, सिस्टम को दिखाइए, कैसा लगा सिस्टम भाई बताना, अपना व्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना इस सिस्टम के लिए कैसा है। अब आज जल्दबाजी में दिखाओ भाई, ज़रा बालो बात कर लें भाई लोगों से, आज जल्दबाजी में ये पूरा PC हम लोग का शूट हुआ यार, जल्दी से ये भेजना है चंबा हिमाचल प्रदेश विशाल मल्होत्रा भाई को। अभी सुबह का टाइम हुआ है लगभग, मांग चलिए आप 12:30 बज रहा है, ठीक फिर अरे मतलब हम 12:30 नहीं 11:30, तो अभी ये टेस्टिंग होगा 5-6 घंटे, फिर शाम में यहाँ से शिप हो जाएगा। ठीक तो भाई, तो कैसा लगा आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। पहली बार चैनल पे अगर आए हो तो भाई सब्सक्राइब तो करना बनता है, और कोई PC लेना हो तो अंकित भाई को कॉल कर लीजिएगा, ना मिले तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा आप लोग। ठीक भाई, और क्या बताएं, और बस इतना ही था यार, बहुत जल्दी बेंचमार्क आने वाले हैं, अब बहुत तगड़े बेंचमार्क आने वाले हैं, जो अब धीरे धीरे PC जो आएंगे ना उनके बेंचमार्क बहुत तगड़े से आएंगे भाई, देखते रहना, ऐसे सपोर्ट करते रहो, लव यू ऑल, थैंक यू भाई लोग, आज के लिए इतना ही, ऑलवेज सारी खुशी से रहिए, और इसी में आके लिंक्स वीडियो में, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।